भाई शाम के 5 बज गए हैं और हम हैं हरिद्वार हर की पौड़ी पे और लगभग 1 घंटे में जो भव्य आरती है गंगा की वो शुरू होने वाली है। मैं आपको स्टोरी के साथ साथ सिनेमेटिक व्यू भी दिखाऊंगा पूरी आरती का और बताऊंगा क्या महत्व है इस पूरे ब्रह्मकुंड क्षेत्र का, हर की पौड़ी क्षेत्र का। बने रहिएगा वीडियो के साथ, धन्यवाद। हरिद्वार एक विश्व प्रसिद्ध शहर है जिसकी अखंडता दुनिया के हर कोने कोने तक विख्यात है। यहाँ बहने वाली माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करके पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति मिलती है। वैसे तो माँ गंगा हिमालय से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक लगभग 2525 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं, लेकिन हरिद्वार में ही माँ गंगा की सबसे ज्यादा मान्यता बताई गई है। ऐसा क्यों, इसी का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति और श्राप मुक्ति के लिए माँ गंगा को धरती में बुलाया, जिसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। वर्षों तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी ये तपस्या स्वीकार की और माँ गंगा को धरती में अवतरित होने का आदेश दिया। लेकिन तभी एक दिक्कत सामने आई जो थी माँ गंगा का तेज बहाव। माँ गंगा का बहाव इतना तेज था जो धरती में आते ही तबाही मचा देता, इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगीरथ जी को भगवान भोलेनाथ के पास जाने को कहा, क्योंकि उन्हीं में माँ गंगा के तेज वेग को रोकने की शक्ति थी। राजा भगीरथ भोले शंकर के पास पहुंचे और उन्हें ये सब बात बताई, जिस पर भगवान भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे धरती भी बच गई। माँ गंगा जब भोलेनाथ की जटाओं से निकलकर धरती में आई तो उनका बहाव 12 धाराओं में बढ़ गया, जिससे अलग अलग नदियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें प्रमुख नदियां हैं मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा। माँ गंगा राजा भगीरथ जी के साथ चलकर उनके पूर्वजों को तारती गई, फिर हरिद्वार के हर की पौड़ी स्थित ब्रह्म कुंड से निकली। इस कुंड में ही ब्रह्मा जी ने कई बार तपस्या की और आज इसी स्थान में माँ गंगा जी का मंदिर भी बना हुआ है।